हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे DES, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जो एक इंक्रिप्शन की टेक्निक है और काफ़ी सिक्योर है। तो बेसिकली ये सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन टेक्निक में आता है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी ने इसे डिराइव किया था, या आप डिस्कवर कह लो या प्रपोज किया था। तो बेसिकली इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिस्टल सीफर। फिस्टल सीफर जैसा था वैसा ही ये है, जस्ट इतना डिफरेंस है इसमें और फिस्टल सीफर में कि फिस्टल सीफर कैन गो टू एन राउंड्स, ये केवल 16 राउंड्स जाता है। देन फिस्टल सीफर हैज़ नो परम्यूटेशन, इसमें परम्यूटेशन होता है। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। तो जैसा मैंने बताया, 16 राउंड्स होते हैं DES में और ब्लॉक साइज इज 64 बिट्स। और एक DES एल्गोरिदम होता है जो इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है एक बाइनरी की के थ्रू। तो 64 बिट में ये ऑपरेट होता है, ये DES सीफर है। 56 बिट की आती है और रिवर्स ऑर्डर में हमारा इनक्रिप्टेड डेटा आएगा। तो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? स्ट्रक्चर में वही सेम चीज़, राउंड स्ट्रक्चर, 16 राउंड्स होते हैं इसके अंदर और ये ऐसे चलता है। अब मैं इस डायग्राम समझाता हूँ आपको। सबसे पहले 64 बिट का हमने प्लेन टेक्स्ट दिया, उसमें फिर हमने सबसे पहले उसको परम्यूटेशन किया। एक बार परम्यूटेशन करके कॉम्बिनेशन सा बना लिया हमने उसका। तो उसके बाद उसके राउंड 1 हुए, राउंड 2 हुए, इस तरीके से राउंड 16 हुए, और हर राउंड में एक की लगी जो 56 बिट्स की थी, और एंड में एक परम्यूटेशन हुआ और उसके बाद 64 बिट का हमारा सीफर टेक्स्ट आया। तो इस तरीके से हमने इनक्रिप्शन किया। अब होता क्या है इसमें? इसमें होता है कि हम जो हमारा इनक्रिप्टेड, जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है, उसकी परम्यूटेशन के बाद उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। 2 पार्ट्स में ब्रेक करने का मतलब होता है उसको हमने LPT और RPT में ब्रेक कर लिया। LPT बोले तो लेफ्ट हैंड प्लेन टेक्स्ट और RPT बोले तो राइट हैंड प्लेन टेक्स्ट, जो दोनों 32 32 बिट्स के हो गए। उसके बाद जो हमारा राइट पार्ट होगा उसमें हम की लगाएंगे। वैसे तो RPT 32 बिट का है और की हमारी 56 बिट की है तो काम तो चलेगा नहीं। सॉरी, की हमारी 48 बिट्स की है तो प्रॉब्लम होगी। तो हम करते क्या है, हम ये करते हैं कि एक बार और RPT पे हम, यानी राइट हैंड पार्ट पे हम परम्यूटेशन लगाते हैं और उसको हम 48 बिट का करते हैं। उसके बाद उसको की के साथ हम एग्जॉर करते हैं, एग्जॉरिंग होती है उसमें, और उसके बाद हमारा RPT तैयार होता है। फिर वो RPT स्वैप होता है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट वाला राइट साइड पे। फिर जो हमारा लेफ्ट पार्ट था पहले, वो अब राइट पार्ट हो गया, और जो राइट पार्ट था वो अब लेफ्ट पार्ट हो गया है। वो हमारा, अब देखिए, अब राइट पार्ट कैसे होता है? राइट पार्ट 32 बिट का है, की 48 बिट की है। तो हम क्या करते हैं, राइट पार्ट का परम्यूटेशन करते हैं और फिर एग्जॉर कर देते हैं की के साथ, और हमारा राइट पार्ट तैयार हो जाता है। उसके बाद अब स्वैपिंग होती है लेफ्ट राइट। अब सेम टास्क जो पहले लेफ्ट पार्ट था उसके साथ होता है। इस तरीके से 16 राउंड चलते हैं और हमारा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट आता है। तो दिस इज DES, इस तरीके से DES एल्गोरिदम काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है, अगर एक बार आप विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनरली यही यूज होता है इनक्रिप्शन टेक्निक्स के लिए। तो आई गेस हो गया ये टॉपिक। तो अभी के लिए थैंक यू।